सत श्रीकाल जी एंड हैलो टू एवरीवन। वैल टारगेट एक अजिहा वर्ड है जो अपने विचों हर इंसान बना के चलता है, अगले 2 साल 4 साल 6 साल, यू नो शॉर्ट टर्म टारगेट एंड लॉन्ग टर्म टारगेट्स। इसे तरीके नाल जिहड़ी कंट्री अपना स्टूडेंट पढ़न जाता है उन्होंने भी टारगेट्स बने होंगे ने, उन्होंने किस किस साल तक किन्ना बच्चे नू एंट्री देनी है ते अगे उहदा किड्डा वड्डा पाइपलाइन तैयार होना नैक्सट फेज ऑफ वीज़ाज़ दे विच। इसे तरीके नाल यूके ने अज तो 2 साल पहला 6 लाख स्टूडेंट परमिट का टारगेट लिता सीगा जो उन्होंने कंप्लीट करना सीगा 2030 तक। बट कहिंदे समय की मार बड़ी बलवान होंदी है, कोविड आया, बाकी कंट्रीज नीचे गए तो यूके की लॉटरी लग गई। यूके ने वो टारगेट 6,05,000 स्टडी परमिट इशू किए 2021 तक। जिहड़ा टारगेट 10 साल वास्ते लाया सी उन्होंने 2 साल दे विच कंक्लूड करके साइड पर रखता। वैल ये नॉट टू मैनशन सब तो ज़्यादा जिहड़े स्टूडेंट्स गए ने वो इंडिया और चाइना, दो कंट्री जिन्होंने लीड लिती है पूरे स्टूडेंट वीज़ा का टारगेट मीट करन ले। यूके दे विच टारगेट मीट हो गया, हुण की करनगे अगले 8 साल, कि वह दोबारा अपना स्टूडेंट वीज़ा प्रोग्राम बंद करनगे या इसे स्पीड नाल देंगे। वैल करंट वक्त तो यही कहता है जिथे सक्सैस ऑलमोस्ट 100% हैगा यूके का, उस स्पीड नाल तुरदे पए ने, उस तरीके नाल प्रोसैसिंग करते पे हैं, सिवाय एक चेंज दे जिहड़ा उन्होंने प्रायोरिटी एंड सुपर प्रायोरिटी लॉजमेंट बंद की, वह भी यूक्रेन की वॉर करके। अदरवाइज उन्हों का जरा 21 दिन का प्रोसैसिंग टाइम हैगा एक नॉर्मल एप्लीकेशन का, स्टैंडर्ड वीज़ा प्रोसैसिंग वह बद के महीने तक गई है, इस तो उपर नहीं गई हैगी। वैल आई एम ग्लैड टू अनाउंस असी मई के 100% वीज़ा सक्सैस लिता फॉर ऑल द स्टूडेंट जिहड़े कि यूके जाना चाहते सीगे। बट ड्यूरिंग दिस टाइम द टारगेट अचीव हो गए, नो एडवरटीजमेंट बंद हो गई विदाउट अस यूके जान दियाँ। वैल जब रिपोर्ट आई दैट उन्होंने टारगेट अचीव हो गया उदों फिर एक दिमाग कंकलूजन दौड़ने शुरू हो गए, वट विल हैपन नैक्सट, वट विल हैपन टू दोज एडवरटीजमेंट जिहड़े कहिंदे आ विदाउट अस यूके जाओ, कि तुहानू जाना चाहिए है या नहीं जाना चाहिए। वैल वो तुसी फैसला आप ही करोगे। बट इतने ना छोटा जा एक कैलकुलेशन देना चाहवागा, एक थॉट प्रोसैस देना चाहवागा जिहड़ा हरेक स्टूडेंट नू लेना चाहिए है जो अज बाहर जाने की सोच रहा है। वही बैठे बैठे दिमाग चलता पाया जब मैं 2002 दे विच इस इंडस्ट्री च आया उदो इंडस्ट्री किस तरह की होंगी सी, 2022 किस तरह की होंगी है, एक वैसे ही दिमाग दौड़दा ख्याल आते हैं एंड उही सांझे करन लगे हैं तुहाडे नाल। अज तो कुछ साल पहला कबूतरबाजी के 20-25 लाख रुपया दे के लोग बाहर जाते थे तो वो सिर्फ पहुँचते पैसे होंगे सी भी सानू उस धरती से उतार दो बाकी कोई देख लाँगे की होना है, तो शायद उस टाइम पक्के होने भी 2 करा होंगे होने, एक रिफ्यूजी या मैरिज करा लो। स्टूडेंट वीज़ा प्रोग्राम जब आना शुरू होया ये बड़ा पॉपुलर इसलिए होया क्योंकि ये लीगल वे लैके आया अपने सारे स्टूडेंट्स वास्ते, यंग जनरेशन वास्ते, भी तुहानू लोड़ नहीं है कबूतरबाजी दे विच जान दी, तुसी सही तरीके नाल पढ़न दे बेस दे उत्ते उत्ते वीज़ा लैके जा सकते हो जिदे विच तुहानू 3-3 साल 4-4 साल लीगल वीज़े मिलते हैं। एक पासे कबूतरबाजी जिथे सिर्फ एक बार धरती ते पैर रखन दा परमिशन मिलती सी ते पैसे चले जाते सी, दुख सुख कोई भी होया करे बंदा आ नहीं पाता सीगा। एक पासे स्टूडेंट वीज़ा इन्वेस्टमेंट चाहे उन्नी होएगी जिन्नी उस सीगी, बट लीगल वीज़ा 4-5 साल का या 3 साल का डिपेंडिंग ऑन द कोर्स, जिस विच तुसीं हर दुख सुख का हिस्सा बन सकते हो परिवार का, तुहाडे परिवार वाले तुहाडे कोल उत्थे बाहरले मुल्क आ सकते हैं सैर करन तुहानू मिलन वास्ते। अफसोस उदों हुंदा है जद तुसीं इस वीज़े नूं भी उस कबूतरबाजी के वीज़े की तरह ट्रीट करते हो। मैं इत्थे गल कर रहा उन्हां स्टूडेंट्स की जो सिर्फ और सिर्फ यूके दे विच पहुँचने लई विदाउट आइलस चीज़ां फड़दे ने क्योंकि चीज़ां सौखियां दिखदियां ने। तुहाडा स्टूडेंट वीज़ा का जिहड़ा वीज़ा लेना है पहला स्टैप है, वह उस तो अगे तुहाडी जिंदगी शुरू होंदी है जब तुसीं PR की राह लैनी है। हुण चॉइस हरेक स्टूडेंट की है जिहड़ा सौखे राह लैके विदाउट आइलस अप्लाई करो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ां होंदियां ने। उत्थे सिर्फ वीज़ा लैके 3 महीने बाद यूनिवर्सिटी जाना बंद करके अपने वीज़े नूं कैंसल कराऊगा सिस्टम दे विच, ते कबूतरबाज जिहड़े गए सी पहलां उन्हां तों वक्खरा किवें होया, इहदी भी तपस्या 7-8 साल की रहनी है परिवार तो अड होण दी। दुख सुख होया आ नहीं सकता, परिवार वाला उत्थे जाके मिल नहीं सकता, फिर आपां जिहड़ी अज दी जनरेशन हैगी है
वह अज तो 30-40 साल पुरानी जनरेशन तो वक्रे किवें होए। अज तो अपने को ऑपरचुनिटी है इस वीजे नू जो मेरे पासपोर्ट ते स्टिकर लग्या रेजिडेंट परमिट मिलया 3-3 साल का 4-4 साल का उन्होंने चंगी तरह मान के अगे PR के राह खोल सकता मैं लीगल वे दे उत्ते। मैं टेंपरेरी रेजिडेंट टू दैट कंट्री सिर्फ वोट नहीं पा सकता, 2-4 लिमिटेशन होर होणगियां जो एज अ स्टूडेंट मैं लै नहीं सकता, बट आन जान ते कोई रोक नहीं, तुहाडे होर फैसिलिटीज़ ते कोई रोक नहीं। हुण अगेन एक अंडरस्टैंडिंग ही बन जाती है कि मैं सिर्फ पहुँचने के पैसे दे रहा या जिंदगी बनाने के उत्थे जिहड़ा पहला स्टैप लै रहा वो पैसे खर्चना पे। मैं दोबारा इन्हें इस प्लेटफॉर्म तो कहना है पंजाब एक ऐसी स्टेट है जितों सब तो ज़्यादा बच्चा बाहर जाता है, पैसा भी है विल भी है, बट वो जी माइंड स्टेट हैगी है बाहर जाने की वो चेंज करन की लोड़ हैगी है बहुत वड्डे पद्धर उत्ते, क्योंकि जे मैं पैसा खर्चना पे आई एम अ कस्टमर आई शुड बी ट्रीटिड लाइक ए किंग, बट जेडे भी देश जद आंदा है क्योंकि पंजाब दे विचों प्रैक्टिस हुंदियां ने हरियाणा दे पंजाब नॉर्थ इंडिया मार्केट दे विच जिहड़ा अपना इंप्रैशन जिहड़ा अपना यू नो सोच उन्हां नूं दर्शांदी है भी अज भी इह कबूतरबाजी वाले टाइम ते फसे होए हैं, इन्हां नूं सिर्फ पहुँचना है। उस करके GT GSR आ चीज़ां लगदियां ने पूरे हिंदुस्तान च विदाउट आलसी एडवरटीजमेंट या यूनिवर्सिटियां लैंदियां होणगियां, पर जब नॉर्थ इंडिया च आंदियां ने वो इत्थों वापस खिंच लैंदियां ने, ना पंजाब मार्केट नूं विदाउट आलसी देना, क्योंकि 60% नंबर तो हरेक किसी के आ जाते हैं, पर कि एक्चुअल दे विच उत्थे आके कामयाब होणगे द आंसर इज़ नो, क्योंकि उही बच्चा है जिहड़ा 3 महीने बाद यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन लैके जाऊगा आई हैव सम सिकनेस एट माई होम और आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड द प्रोग्राम मैं रिलीव किया जाए, या मैं हूँ कॉलेज ही आना बंद कर देना चुपचाप काम करा जब तक फड़िया नहीं गया तद तक बैठे हैं, फिर वकील को पैसे दे देंगे 7-8 साल होर कढ़ा देंगे, बट वो 7-8 साल की तपस्या जे घरे कोई दुख सुख हो जाता है वो तपस्या 7-8 साल की मायने रखेगी। कहिंदे भी अपने आप को मैं खुश रखने लई चीज़ा करदा या अपने आप को सही दसन लई चीज़ा करदा, फर्क है दोनों दे विच। देयर इज़ अ पिक्चर एक पूरे स्टूडेंट की फैमिली के नाल UK ऑस्ट्रेलिया तो आती है, पूरा परिवार उत्थे घूमन फिरन गया होया, एक पासे एक बच्चा जरा 7-8 साल दो उत्थे बैठा है तो घर नहीं आ पाया, कोई दुख सुख का हिस्सा नहीं बन पाया, वह तपस्या किस काम की, वह पैसा किस काम का जड़ा कि गलत रात गलत डिसीजन नाल हो गए। खैर वापस आने मुद्दे पर UK अगला इनटेक जड़ा विदाउट आयल्स वाला कंसैप्ट है, चॉइस तुहाडी है तुसीं उहनूं लैणा चाहुंदे हो या नहीं लैणा चाहुंदे हो, क्योंकि तुहाडी इंग्लिश बोलन दा तुहाडे परसेंटेज नाल कोई लेना देना नहीं हैगा। यूनिवर्सिटीज़ हजे भी विदाउट आयल्स लैंदियां ने, बट कि तुसीं इंग्लिश बोल सकते हो समझ सकते हो या समझा सकते हो डिपेंड उत्ते करदा है। नंबर 2 बहुत सारे केसिस देखा गया डिले इन एप्लीकेशन खासकर PG कोर्सेज वास्ते, जब भी तुसी यूनिवर्सिटीज़ दी वैबसाइट ते जाने हो उत्थे कुछ कोडिंग दे विच परसेंटेज लिखा होंदा 2:1 2:2 यू नो फर्स्ट क्लास ऑनर्स सेकंड क्लास ऑनर्स। अपनी यूनिवर्सिटी जिहड़ी भी तुसी अप्लाई करन लगे हो काइंडली उहदी टर्मिनोलॉजी नूं चंगी तरह अंडरस्टैंड करो भी तुहाडे तों चाहुंदे की है, तुहाडे कोल किन्ना परसेंटेज चाहिए है उस यूनिवर्सिटी और उस कोर्स वास्ते अप्लाई करन लई। 3rd आंदा सब तो वड्डा कन्फ्यूजन सेल्ट जो सिक्योर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम कि मेरा आलस PT सेल्ट के अंदर आता है नहीं आता, एक चीज़ समझनी है जब तक तुहाडा आलस या PT UKVI टैग के नाल नहीं आता तुहाडा जो नॉर्मल आलस और नॉर्मल PT सेल्ट के विच नहीं आता इट विल बी नॉट बी कंसिडर्ड एज सेल्ट। हुण सेल्ट एक मकैनिज़म है जिथे एक हाई कमीशन ने एक रेगुलेशन बनाया अपनी यूनिवर्सिटीज़ के नाल, जे कुछ वो बच्चे थोड़े आने वाले स्टूडेंट जोड़े यूनिवर्सिटी के हैं इफ दे गो फॉर ए पर्टिकुलर प्रोग्राम एंड उन्हों को UKVI आलस और PT है वो ही कंसिडर होंगे सेल्ट के विच, वेयर एज यूनिवर्सिटीज़ की अपनी अंडरस्टैंडिंग और अपने डॉक्यूमेंटेशन का हिस्सा कहता है जो तुसी नॉर्मल आलस किया नॉर्मल के मैं 2 तरीके बोलाँगा, एक अकैडमिक एक जर्नल। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जर्नल आलस भी लिंदियां ने UK दे विच बिकॉज दे अंडरस्टैंड दैट जिहड़ा बच्चा इन्नी देर तो कम करता पिया हैगा हुण नॉर्मली जर्नल आलस वो दिंदा है जिहड़ा कि इमीग्रेशन वास्ते ट्राई करता पर उहदे बैंड नहीं आ पाते। 2nd बेस्ट ऑप्शन लैंदा स्टूडेंट वीज़ा तो दोबारा आलस करता है सोचदा करा कि ना करा, वेल उन्हां वास्ते भी आ ऑप्शन निकलती है September इनटेक UK दे विच, यू कैन गो फॉर मास्टर्स ऑफ 1 ईयर इन September इनटेक विद जर्नल आलस। बहुत सारे शहर है लंडन बर्मिंगम नॉटिंगम फॉर एग्जाम्पल
जो जनरल आर्टस ऑनर करेंगे अपनी मास्टर डिग्री के जिहड़ी भी यूनिवर्सिटी तुसी अप्लाई करते पे हो उन्होंने एंट्री क्राइटेरिया जरूर चैक करना क्योंकि नॉर्मल ऑफर लेटर 2 to 3 weeks आता है। इंटरव्यू की तैयारी पैरल करो, इंटरव्यू आते ही कैश लैके अपना वीज़ा अप्लाई करो। यूके जो टारगेट पूरे कर चुके हैं आने वाले इनटेक तो बाद उम्मीद है मेरी दैट थोड़े जे रूल स्क्रू टाइट करेगा है क्योंकि टारगेट पूरा होने तो बाद आप एक आम तौर पर रिलैक्स होकर पिछे बह जाने हैं, चलो थोड़ी देर तो आप स्लो चलीए उस तो बाद स्पीड फड़ांगे या उस तो बाद कोई नवा टारगेट लवेंगे अगे उन्हें करना किवें है। अज यूके तुहानू 1 साल की मास्टर्स तो बाद 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा दे रहा है। 2 साल के पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा के 25,600 pounds की नौकरी लैके एलिजिबल हो जाने तो अगे स्किल्ड वर्किंग राउट के तरीके निकल जाते हैं जोड़ा कि आप वर्क परमिट कहते हैं। एक चीज़ याद रखना, यूके वॉज नैवर एंड विल नैवर बी होम टू वोकेशनल कोर्सिस। यूके हमेशा स्किल्ड बंद की कहानी है, वाइट कॉलर जॉब्स ता ही उन्होंने सैलरी ब्रैकेट रखे 25,600 pounds का। यूके अप्लाई करने लई अपनी स्टार्टिंग जर्नी तो लैके एंड जर्नी डिस्कस करने लई तुसी कॉल कर सकते हो 9409 9409 ते।